नमस्ते दोस्तों, सुप्रभात। कहिए आप सब कैसे हैं? हम लोग तो सब अच्छे हैं, आशा करती हूँ आप लोग भी सब परिवार अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज सुबह सुबह मायापुर की दर्शन किया जाए, श्री कृष्ण के दरबार में जाया जाए। तो चलते हैं, अभी सुबह के 5:06 बजने में 10 मिनट बाकी है, अब निकल रहे हैं। तो चलिए मायापुर में मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, देखिए हम लोग ट्रेन में चढ़ गए हैं कृष्णा नगर जाने के लिए। कृष्णा नगर से वहाँ से टोटो ऑटो जो भी मिले उसी से हम सब जाएंगे। हम लोग सब महिलाएं ही जा रहे हैं, कुछ कुछ मायके से है और कुछ ससुराल से है। हाय करो, हाय करो, ए हाय करो, हमार फ्रेंड के हाय करो। तो चलिए अब फिर आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए कितना कोहरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। चंदा मामा कितना छोटा छोटा लग रहे हैं, बहुत कोहरा है यहाँ पे। देखिए हम लोग मदनपुर पार कर चुके हैं, कितना सुंदर है। दोस्तों देखिए हम लोग कृष्णा नगर स्टेशन उतर गए हैं। देखिए ये कृष्णा नगर है, यहाँ से टोटो ऑटो जो भी मिलेगा वही पकड़ के जाना है। दोस्तों हम लोग टोटो में बैठ गए हैं मायापुर के लिए। अब यहाँ से टोटो हम लोगों को घाट पर ले जाकर उतारेगा, वहाँ से लॉन्च पार करके जाएंगे, उसके बाद मंदिर। तो चलिए मंदिर के लिए चलते हैं। चलिए देखिए हम लोग यहाँ नौका में आ गए हैं। देखिए नौका में चढ़े हैं उस पार जाने के लिए। ये कितना आदमी भर गया है नौका में। ए ऐसा नौका में हम पहली बार चढ़े, ऐसा में नहीं चढ़े हैं। कितना हिल रहा है, डर लग रहा है। देखिए कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर लग रहा है ये फूल सब। यहाँ कमल का फूल है, देखिए कितना सुंदर है। ये मायापुर मंदिर प्रांगण के अंदर है, ये कितना सुंदर है। यहाँ पर भोजन कराया जाता है, प्रसाद मिलता है यहीं। कितना सुंदर है देखिए। बहुत सुंदर सजावट है। देखिए ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है ये रथ, नज़दीक से दिखा रही हूँ। मयूर बना हुआ पूरा लकड़ी का है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए चलिए इसी बहाने प्रभु का नाम लिया भी हो गया। पूरा लकड़ी का बना हुआ है, यहाँ प्रसाद का कूपन कटता है। ये नया मंदिर जो है वो बन रहा है, इसका साइड से हम दिखा रहे हैं। सामने अभी नहीं गए, सामने जाएंगे तो फिर वहाँ से दिखाएंगे। पहले प्रसाद का कूपन तो ले लिए, नहीं तो बहुत भीड़ हो जाता है। Okay.
इधर से खींचेंगे लड़का सब। देखिए यहाँ शाम को अच्छा सावर वर चलता है, ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये मंदिर का है, मंदिर जाने का रास्ता। कितना सुंदर लग रहा है, अभी धूप निकल आया है। देखिए नया मंदिर का अभी भी काम चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है अभी भी। ये साइड का है, सामने जब जाऊंगी तो दिखाऊंगी। देखिए मंदिर के सामने आ गए। ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, यहाँ से प्रवेश होता है। इस तरह लाइन देकर जाया जाता है, पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी तो आए ही हैं, थोड़ा बाद में जाएंगे। कितना सुंदर है ना, कोई भी तीर्थ स्थान जाने से कितना अच्छा लगता है, मन बहुत अच्छा लगता है, कितना सुंदर है। देखिए ये सब दुकान, ये कितना सुंदर धोती पहना है बच्चा, टिकी कितना सुंदर है इसका। हाँ देखिए अपने माँ से जिद कर रहा है कुछ लेने के लिए, छोटा सा कोई चीज़ चाहिए अपने माँ से जिद कर रहा है। देखिए आखिर में आ ही गया ये कुछ लेने के लिए। दोस्तों देखिए ये मेरा फैमिली है, सब इन्हीं के साथ में आए हैं। अब ये देखिए ये मंदिर का सामने का पार्ट है, इतना सुंदर है। देख रहे जमन आज के दिन कितना सुंदर है। कितना सुंदर सजावट है यहाँ का। दीदी एक तो एदिके देखबेन दीदी, हम लोग अभी प्रसाद खाने का लाइन में है। यहाँ भोग प्रसाद यहाँ दिया जाता है। देखिए कि बहुत बड़ा लंबा लाइन है, ये सब लाइन में है, लाइन लेकर भोग प्रसाद खाएंगे, खा के उसके बाद फिर और घूमेंगे। देखिए हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं,
पत्तल हम लोगों को मिल गया है। देखिए अब प्रसाद देने से पहले भगवान का नाम लिया जाता है। ऐसा ही यहाँ का यही नियम है। देखिए सब कोई बैठ गया, कितना आदमी बैठा हुआ है वो प्रसाद के लिए। चलिए जब फिर प्रसाद आएगा तो हम लोगों को उधर उधर मिल रहा है, हम लोगों को आगे की लाइन में प्रसाद मिल रहा है। देखिए मिल गया हमारे पत्तल में प्रसाद, प्रसाद जा रहा है। ये खिचड़ी प्रसाद है, कद्दू है, आलू है, मूली है और साग है। यहाँ ये इस मंदिर में, मंदिर के अंदर राधा कृष्ण और उनकी गोपियों माने कृष्ण जी की गोपियाँ हैं। यहीं पे सुबह शाम मतलब 4-5 टाइम आरती होता है और कीर्तन होता है, अच्छा लगता है। पर इसके अंदर हम मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है तो इसलिए नहीं ले जा पाई और बाहर से ही दिखा रही हूँ। यही है, यहीं पे होता है। हम लोग आए हैं अभी, पर मोबाइल नहीं ले जाने दिया। देखिए कितना सुंदर यहाँ का सजावट है अंदर का। अब हम लोग धीरे धीरे मतलब निकल जा रहे हैं। फिर ट्रेन वाली बात है, ट्रेन से ही जाना है तो इसलिए अब निकल जा रहे हैं। और फिर कभी यदि मौका मिले, प्रभु की कृपा हो, यदि प्रभु चाहे तो फिर आएंगे। जाते हुए बहुत दुख लग रहा है, इतना सुंदर जगह, इतना अच्छा जगह, इतना पवित्र स्थान छोड़ के जाना पड़ रहा है, पर कुछ किया नहीं जा सकता, जाना ही पड़ेगा।